पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए हमीरपुर के टाउन हॉल में पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व सैनिक लीग अध्यक्ष ब्रिगेडियर दिलीप सिंह ने की। सम्मेलन में पूर्व सैनिकों को ECHS की सुविधाओं की जानकारी दी गई तो पूर्व सैनिकों को पेंशन से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन में केंद्र सरकार की ओर से जारी नई सूचनाओं को भी बताया गया तो वन रैंक वन पेंशन की समस्याओं को लेकर भी केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई। पूर्व सैनिक लीग अध्यक्ष ब्रिगेडियर दिलीप सिंह ने कहा कि सम्मेलन में पूर्व सैनिकों को ECHS की सुविधाओं की जानकारी दी गई तो पूर्व सैनिकों को पेंशन से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन में केंद्र सरकार की ओर से जारी नई सूचनाओं को भी बताया गया। सैनिक सम्मेलन ये वार्षिक सम्मेलन है जो कि हम हर साल करते हैं और इसमें अपने पूर्व सैनिक विधवाएं वीर नारी को सबको बुलाते हैं। उनकी जो समस्याएं हैं जो उनके अपने लेवल में हल नहीं होती है उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उनकी समस्याओं का हल करते हैं। साथ ही में हमने जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर SK वर्मा, वो आज आपने देखा है वो आए हुए थे, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की जानकारी दी। ECHS के बारे में जो है OIC जो है वो पूरी जानकारी अभी दे रहे हैं, उनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद जो है वो कैंटीन एक और मुद्दा है, पूर्व सैनिकों की प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में वो कैंटीन के OC भी आए हुए हैं, वो भी जानकारी देंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो कुछ एक सूचनाएं सेंटर से आई हुई हैं वो हम इनको देते हैं, जिससे कि हमारे लोग सबको पता रहे कि उनके बारे में पूर्व सैनिकों के बारे में क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, सुविधाएं दी जा रही है सरकार द्वारा या बाकी डिपार्टमेंट द्वारा। दिलीप सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिक कोटे के तहत ज्यादा पद सृजित करने की आवश्यकता है, तभी प्रदेश से पूर्व सैनिकों को दोबारा से नौकरी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का भर्ती कोटा भी केंद्र सरकार ने जनसंख्या के आधार पर कर दिया है, जिसके कारण अच्छे होने के बावजूद भी हिमाचल का युवा भर्ती नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश का भर्ती कोटा बढ़ाया जाए ताकि प्रदेश में बेरोजगारी कम हो सके। अरे हिमाचल में एम्प्लॉयमेंट का साधन आज तक एक ही था, वो फौज में जाने का। वो फौज की जो वैकेंसीज हैं वो हमें बहुत कम मिलती है। केंद्रीय सरकार ने पिछले 3-4-5 सालों से ये पॉपुलेशन के लिहाज से वैकेंसीज ऑथराइज कर दी है, जो हमारे लोग जाना चाहते हैं वो उनको नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरी बात है, इन्होंने अक्टूबर में भर्ती प्लान की थी यहाँ हमीरपुर में, अब मैं लेटेस्ट खबर ये देख रहा हूँ कि ये मंडी में भर्ती कर रहे हैं अक्टूबर में, एक चंबा में कर रहे हैं और इस साल हमारे हमीरपुर में नहीं कर रहे, वो जनवरी के लिए ले गए हैं 2019 के लिए। इससे भी हमारे लोगों को बहुत परेशानी है। हमारी सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी हमारी इन कामों में मदद नहीं करती है। चाहते हैं कि जो वैकेंसीज हैं भर्ती की वैकेंसीज हमारे हिमाचल को पॉपुलेशन के लिहाज से नहीं बल्कि हमारे क्वालिफिकेशन और एप्टीट्यूड लोगों का जो होना चाहते हैं उस लिहाज से दी जाए। कम से कम जो प्रेजेंट वैकेंसी दे रहे हैं उससे 4 गुना वैकेंसी आएंगी, तब हमारी बेरोजगारी जो है थोड़ी सी कम होगी। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में पूर्व सैनिक तभी वोट देंगे जब तक वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा पूरी तरह से हल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फौज को बढ़ाने की जगह कम करने की बात कर रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि फौज हर जगह काम करती है, तो अगर ऐसे में फौज को ही कम किया जाएगा तो काम करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक अपनी मांगों को मनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। हम ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हमारी एक मूवमेंट लगी हुई है, उसने बड़े अच्छी तरह से कह दिया है कि हम मोदी सरकार को वोट तब देंगे जबकि हमारी ये वन रैंक वन पेंशन का इन्होंने जो मुद्दा उठाया था और कहा था पार्लियामेंट में, कहा था सब जगह कहा है कि हमने वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हल कर दिया, वो असल में हल नहीं हुआ है। अभी भी 47 एनोमलीज हैं
सेवंथ पे कमीशन में कि जो कि हल नहीं हो पा रही और इसके बारे में सरकार जो है कुछ नहीं कर रही। हमारी फौज घटाने की बजाय हमारी फौज जो कि रात दिन इससे भी पूरे नहीं पड़ रहे क्योंकि हमारी मल्टीफेरियस ड्यूटी है, बॉर्डर के ऊपर भी है, इंटरनल सिक्योरिटी की भी हमारी ड्यूटी है, फ्लड्स आते हैं दाम वहाँ भी फौज को बुला लिया जाता है और फिर ये फौज को कम करना चाहते हैं तो ये फौज ये सारे काम कैसे करे। आज के लिहाज से लग रहा है थोड़ा मुश्किल होगा तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि हमें लड़ाई झगड़ा का तो तरीका आता नहीं है, कोई हम किसी से वो नहीं कर सकते हैं जबरदस्ती, पर हम चाहते हैं कि हमारे मुद्दे जो उन्होंने सहमत किए हुए उनको हल कर दें, हम उनके साथ हैं।